ऐसे टेलीकॉम नहीं हुआ सर, क्योंकि मैं नेपाली हूँ, नेपाली कभी झूठ नहीं बोलता है, मगर सब सच दिल से बोल रहा हूँ। एशिया टेलीकॉम नंबर वन इंडिया का है, मतलब एशिया का नंबर वन है जी, समझ लीजिए। कहीं से आपको आना है तो सीधा आँख बंद करके आए, ऐसे जीरो से बन के आए, हीरो बन के जाए। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। आप चालू कर दिया तो आप YouTube देख के बनाते थे तो फिर आप यहाँ पर आए, किस कौन सी तारीख को आए? मैं 24 तारीख यहाँ पहुँची। 24 तारीख को आ गए थे आप, कौन सी तारीख है? मतलब पूरा एक महीना हो गया तो आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर, ईमानदारी से बताइए। सर मैं कंपोनेंट्स इसका बोलते हैं मालूम नहीं। बिल्कुल, बोर्ड में मैं बोर्ड खोलता था, पीसी भी देखता था, ब्लैक है व्हाइट है हो गया, उससे आईसी है, सिर्फ सबको आईसी बोलता था। उससे बाइक में कुछ नहीं, कौन डायड है, कौन कैपेसिटर है, कौन रजिस्टर है जी, तो कौन बूस्ट कॉइल है, मेरे को कुछ मालूम नहीं। हाँ। सिर्फ कैपेसिटर मतलब आईसी है। हाँ। वही मैं जानता था, सिर्फ। हाँ। सबको आईसी ही बोलते थे। अच्छा। अब तो पूरा नॉलेज हो गया, अब जानूंगा तो उसे मतलब दूसरा। अच्छा, लाइट पावर सीपीयू लगाया आपने? जी सर। वेरी गुड। और आखिरी दिन क्या करेंगे? आखिरी दिन मतलब कल आपने कौन सी क्लास अटेंड की? डबल टेकर और नेट प्रोग्रामिंग आईफोन। डबल टेकर आपने खुद से किया या टीचर ने कर दिया? मैं खुद मैं अपने हाथ से किया। आपने रिबॉलिंग पूरा निकाल के क्लीन प्रोसेस, क्योंकि वही प्रोसेस समझना ही के लिए लोग सिर्फ खाली एक कोर्स अटेंड करते हैं और अपग्रेड होते हैं कि एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं कि सर मुझे डबल ड्यूअल टेकर सिखा दो। सब तो कर रहा हूँ पर ड्यूअल टेकर नहीं आ पा रहा है। तो अभी क्या है प्लानिंग, क्या है जहाँ पे जाने के बाद? सर मैं यहाँ से जाऊँगा, जम के काम करूँगा। मेरा दूसरा शो वाला है उससे हाथ मिलाऊंगा, वो भी कहीं से सीख के गया था, मेरे को डरा रहा था। अब मैं जाऊँ तो उसका वो धमकाऊंगा मैं। अरे क्या बात है, मैं एक साल में ये भी बोल रहा हूँ, मैं वीडियो में लाइव बोल रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। एक साल में काम करके मैं अपना पैसे से गाड़ी किनूँगा, वो मेरा प्लानिंग था। और वो मेरे घर वाले के पास है गाड़ी, वो किने मैं गाड़ी पर नहीं चलूँगा, खुद मैं पैसा कमा कर किनूंगा। मैं जो यहाँ पर आया हूँ सीखने के लिए, मैं खुद अपना पैसा लेकर आया। वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है। एक गोल इन्होंने एक गोल बनाया अपनी लाइफ में, और मैं हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक गोल होता है, वो उसी को अचीव करके वो सक्सेसफुल बनता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारी मंजिल कहाँ है तो पर जाओगे किधर। तो बहुत बढ़िया है। तो फाइनली एक ओवर एक रिव्यू मुझे दो आपकी, क्या वाकई में नेपाल से किसी दूसरे स्टूडेंट को यहाँ ज्वाइन करना चाहिए या उसको डरना चाहिए या ये सोचना चाहिए यार यहाँ तो इतना सब मेहनत है यार ये क्या है, बताइए। सर मैं जब इंस्टीट्यूट में आने वाला था और इंडिया के आदमी थे, उससे मैं संपर्क किया जी, वो मेरे नेपाल में काम कर रहे हैं। हाँ। भाई मैं वहाँ जमलपुर जाने है, इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, मोबाइल रिपेयरिंग सिखा रहे हैं, मैं वहाँ जाऊँगा सीखने के लिए। हाँ। वो बोला ठीक है, मेरा वहाँ पे साले काम कर रहा है। हाँ। उससे मैं पूछता हूँ कैसा है इंस्टीट्यूट, तब तू जाना। बोले ठीक है, मेरा भी डर था सर, मैं ठीक है पूछो। वो पूछा और उसने बोला क्या बोला, वो जब मैं 23 तारीख मेरा टिकट था, 23 तारीख में इंडिया आया ना। हाँ। तो उसके बोला मैं जा रहा हूँ, तो बोला मत जाओ। हाँ। वो इंस्टीट्यूट फेंका है वो बोला। हाँ। मैं उसका बोला देखो वो यूट्यूब में रहता तो मैं समझ लेते वो फेंका है, मगर वो लाइव दे रहा है। मैं सिर्फ तो मेरे तो अभी तो पैसा पूरे फूल के फूलते नहीं लिया है, सिर्फ 2000 रुपया दिया हूँ, जाएगा तो 2000 जाएगा ना। मैं जाता हूँ वहाँ पर, नहीं अच्छा लगा तो मैं घूम के चला जाऊंगा, मुश्किल से मेरा तो 10000 खर्च होगा, वहाँ अच्छा होगा। मतलब आपको ये बहुत ये अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं जरूर लूंगा कि इनको इनके किसी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप जो इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वो फेक है, वहाँ मत जाओ। और आपने सोचा कि यार नहीं मैं तो जाऊँगा क्योंकि मैंने तो उनको लाइव देखा है और मेरे अंदर एक मन है मैं पूरा करूंगा, फेक होगा तो मेरे 2000 रुपये जाएंगे ज़्यादा और आने जाने के खर्चा होगा, पर अगर फेक नहीं हुआ तो मैं बहुत कुछ सीख भी सकता हूँ। और आज आप आखिरी दिन में बैठे हुए हैं सर, आज तो मेरे लग रहा है मैं पहले तो जीरो था। क्या बोलोगे उसको, अब उसको क्या बोलोगे? वो तो सब चुतिया है। सर इंस्टीट्यूट नहीं आया मतलब भगवान से भी बढ़ के हैं यार। मैं आपको सबको इनके थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी एक व्यक्ति की राय आपके जीवन का आधार नहीं बन सकती है। अपने लाइफ को किसी भी इतना छोटा माइंड आईक्यू इतना छोटा मत बनाइए कि किसी सिर्फ 2-3 लोगों की राय आपके जीवन का आधार बनाए। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर देख रहे हो और अगर बहुत सालों से और बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रही है तो मेरे हिसाब से कोई भी फेक नहीं होता है ना। को हर एक क्योंकि जब आदमी बढ़ते हैं, दो हमने 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाए हैं और हर कोई स्टूडेंट एक इंडिविजुअल होता है, हर एक की एक मर्जी होती है, अपने काम करने की क्षमता होती है, तो उसके हिसाब से वो अपना वर्क आउटपुट देता है।
चलिए बताइए सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मतलब दूसरा इनसे चिट फेक हो सकता है जी, मगर ये सेटल कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नेपाली हूँ, नेपाली कभी झूठ नहीं बोलता है, मगर सब दिल से बोल रहा हो, एशिया टेलीकॉम नंबर वन इंडिया का है, मतलब एशिया का नंबर वन है जी, समझ लीजिए। कहीं से आपको आना है तो सीधा आंख बंद करके आए, ऐसे जीरो से बन के आए, हीरो बन के जा। पहले दिन जब तुम आए थे तो तुम्हारे दिमाग में अपने दोस्त की बात याद आ रही होगी, उस दिन क्या सोचा था, फिर मैं अगले दिन ज्वाइन करूंगा, पैसा दे दूंगा, पहले दिन ही पैसा दे दिया था तुमने। सर मैं 24 तारीख में आया, जी 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 24 तारीख से तो मेरा क्लास स्टार्ट नहीं हुआ सर, मतलब बोला था 25 को रेस्ट होगा, 26 से तुम्हारा क्लास 27 27 को काउंसलिंग होगी, 28 से क्लास है जी, मतलब 4-5 दिन तो मैं मेरे को लग रहा था सच में, मेरा दोस्त बोला था सच में हो रहा है ऐसा। मैं फर्स्ट आया तो मतलब हॉस्टल था, नीचे हॉस्पिटल है उसमें रख दिया, मेरे को लग रहा है सच में आके मैं फंस गया, मगर नहीं आप लग रहा है मैं फंसा नहीं, मेरे को मन दिल नहीं कर रहा है ऐसे जाने के लिए, मैं कर रहा है 6 महीना यहाँ पर रख लगा तो और मैं रह सकता हूँ। सही बात है। और जब क्लास अटेंड कर ली तो फिर आपको लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो हुआ क्या है, जो भी स्टूडेंट इनका देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, कि हम लोग स्टूडेंट लोगों को सेम डे में कभी नहीं बुलाते हैं, हम उनको हमेशा 2 या 3 दिन पहले इसलिए बुलाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम सब स्टूडेंट को सेम डे बुलाएंगे तो हो सकता है किसी की ट्रेन एक दिन बाद आए या लेट आए, और हम नहीं चाहते कि एक क्लास का 1 मिनट भी उनसे छूटे, और यही डिसिप्लिन में आता है। कभी ऐसा हुआ कि क्लास जो समय पर हो वो समय पर कभी चालू नहीं हुई, कभी आज तक नहीं है एक भी क्लास, मुझे सब बताओ यहाँ पे एक भी क्लास आपकी कि जिस टाइम को उस टाइम से कभी चालू नहीं हुई। नहीं सर, वो एक भी मिस नहीं है, ऐसा ऐसा टेक्निक दिया है सर, मतलब वो बाकी मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ जी, मगर बोल सकता हूँ कैसा वो चेक होता है, और मतलब गूगल है, गूगल भी फेल हो जाएगा वो टेक्निक में। आपकी क्या नेपाली, आप नेपाली भाषा बोलते हैं क्या जी सर, बताइए कुछ नेपाली में। नेपाली में बताता हूँ, हेर्नु मेरो दाजु भाइहरू दिदी बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई सिक्नु त्यो आफ्नो छोरालाई सिकाउनु छ मोबाइल ट्रेनिङ भने तपाईँ आफ्नो त्यो इन्डियाको पठाउनु, इन्डियामा पठाउनु, त्यो एसिया टेलिकम धेरै राम्रो छ, नम्बर वान इन्स्टिच्युट हो एसियाको, तर यहाँबाट सिकेर जानुहुन्छ त्यो मिडल क्लासको फ्यामिली हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो थोरै पैसामा यहाँ सिकाउनुहुन्छ, आउनु पठाउनु आफ्नो छोरालाई, यहाँबाट सिकेर जान्छ भने तपाईँ पक्कै हो त्यो सरकारी जब हुन्छ नि त्यसलाई पनि फिल गर्न सक्छ। और कोई दूसरी भाषा आती है इसके अलावा आपको क्या आती है? मैथिली, मैथिली मेरा मैथिली प्रॉपर मैथिली मैथिली बताओ थोड़ा बोल के अपना सब अपन मतलब लड़का के पठावे ला चाहे छे, मतलब आगे में मतलब बढ़िया काम सिखावे ला चाहे छे, कम बजट छे और मतलब कम अथी पैसा छे अहाँ के पास में, अपना पास में ऐसे टेलीकॉम पठाओ, हमारे पता से अहाँ के लड़का सीख कर जेते तो बढ़िया, मतलब एगो शॉप दुकान खोलते, दुकान खोल कर मतलब बढ़िया पैसा कमे, बढ़िया पैसा कमा कर अहाँ के मतलब दूसरा मतलब जे एब्रॉड छे ओकरा मतलब हाथ मिलौते, हमहूँ के बड़का आदमी कहते, क्या कि अहाँ एहि से सीख जेते, दोसर इंस्टीट्यूट से सीख जेते तो नहीं कह सकते, मतलब एशिया टेलीकॉम से सीख जेते तो मतलब दूसरा से हाथ मिला सकते, मतलब हमहूँ के लड़का के कोई सलाम करते। और कोई इसके अलावा भाषा आपको? चलिए वेरी गुड, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। थ्री सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल टेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल।
आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? सर आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? करो डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, Dr.